रिवाइज यानी आज कौन से टॉपिक हैं चलिए देखते हैं कि उन्हें हमें रिवाइज करना है सो लेट्स सी सबसे पहले जो हम टॉपिक जिस टॉपिक को रिवाइज करने वाले हैं द टॉपिक इज प्लेस वैल्यू एंड एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स यानी प्लेस वैल्यू क्या है किसी डिजिट की और उसको एक्सपेंड करके हमें कैसे लिखना है नाउ द सेकेंड टॉपिक इज इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन या इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमनेशन का मतलब होता है कि हम इंडियन सिस्टम में किसी नंबर को कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं एंड द थर्ड वन इज दिस वन वन थर्ड इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमनेशन यानी नंबरों को पढ़ने का नंबर्स को पढ़ने का लिखने का जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो क्या है क्योंकि हमें वो भी आना चाहिए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए सो so, देखते हैं एक बार लेट्स फर्स्ट विल टेक प्लेस वैल्यू एंड एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स सो देखिए कि हमें प्लेस वैल्यू कैसे जैसे कि आपको पता है प्लेस वैल्यू हालांकि हम पहले भी जान चुके हैं कि किसी नंबर में जो सबसे राइट हैंड वाली डिजिट होती है उसको हम वंस प्लेस कहते हैं फिर उसके बाद टेंस प्लेस फिर हंड्रेड प्लेस लेकिन ये कैसे आता है उसको एक बार देख लेते हैं देखिए अगर सेवनटी एट फॉर एग्जाम्पल सेवनटी एट तो इसको हम एक्सपेंड करके सेवेंटी प्लस एट भी लिख सकते हैं अब 70 को आप 7 मल्टीप्लाई टेन भी लिख सकते हो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते क्योंकि 7 टेन जो सेवनटी होते हैं प्लस 8 और इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 आ जाएगा तो 70 प्लस 8 बन जाएगा अब इससे हमें क्या समझ में आया हेयर इज 8 इज एट वन्स प्लेस क्योंकि वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है 7 इज एट टेंस प्लेस क्योंकि वो टेन से मल्टीप्लाई होके बन रहा है समझ में आई बात आपको कि जो वेरी फर्स्ट नंबर है राइट right साइड का वो तो वन्स प्लेस है और नेक्स्ट इज टेंस प्लेस कई बच्चे पूछते हैं ना सर इसको टेंस प्लेस क्यों कहते हैं इसीलिए कहते हैं अनदर एग्जांपल इज 278 तो जैसा हम बोल रहे हैं वैसे लिखेंगे भी 200 200 प्लस 70 प्लस 8 अब हम 200 को 2 100 भी लिख सकते हैं 70 को 7 10 और 8 को 8 1 अब आपको समझ में आ गया ना देखो कैसे कैसे वैल्यूज आ गई जिसको हम वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एट इज एट वन प्लेस फिर जिसको टेन से मल्टीप्लाई किया टू इज एट हंड्रेड प्लेस अब इसी तरह से थाउजेंड को देख लेते हैं फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड सेवेंटी एट एक्सपेंड करके लिखा ये दिस इज द फॉर्म ऑफ एक्सपेंशन यानी एक्सपेंशन फॉर्म इसको कहते हैं फाइव थाउजेंड प्लस 200 देखो इसका तरीका आपको बताऊं अभी आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी समझाऊंगा जब भी आपको एक्सपेंड करके लिखना हो तो फाइव पहले लिख दिया फाइव उसके बाद कितने डिजिट बचे वन टू थ्री उतनी जीरो लगा दो फिर टू लिखो कितने डिजिट हैं उसके बाद टू तो टू जीरो लगा दिया फिर सेवन लिखा सेवन के बाद कितने डिजिट बचे वन डिजिट तो एक जीरो और फिर एट एट के बाद तो कोई डिजिट नहीं है इसलिए एट का एट अब इस फाइव थाउजेंड को आप फाइव मल्टीप्लाई बाय वन थाउजेंड भी कर सकते हो ठीक है 200 को 2 मल्टीप्लाई बाय 100 भी लिख सकते हैं 70 को 7 मल्टीप्लाई बाय 10 भी लिख सकते हैं और नाउ 8 अब हेयर 8 इज एट वन प्लेस क्योंकि वन से मल्टीप्लाई हो रहा है सेवन इज एट टेंस प्लेस टू इज एट हंड्रेड प्लेस एंड फाइव इज एट थाउजेंड्स प्लेस इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू एंड एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स नाउ विल मूव ऑन अनादर टॉपिक इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन in indian system of numeration the first comma comes after hundreds place that is three digit from the right and then other commas comes after two digits for thousand lakhs etc देखिए इंडियन सिस्टम जो है ना उसमें हम नंबर्स को कैसे लिखते हैं जो फर्स्ट कॉमा आता है वो हमेशा 100 प्लेस के बाद आता है यानी थ्री डिजिट के बाद फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कॉमा आता है वो हर एवरी टू डिजिट के बाद आता है ये याद रखना तो इस तरह से अगर कोई नंबर फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा है तो पहले तो हम उसको कॉमा लगाएंगे पहला कॉमा हंड्रेड प्लेस के बाद यानी थ्री डिजिट छोड़ के राइट से फिर दूसरा कॉमा आफ्टर टू डिजिट फिर अगला कॉमा आफ्टर टू डिजिट इस तरीके से तो फिर हम इसको पढ़ना भी है क्योंकि नंबर नेम भी तो हमें पता होना चाहिए कि हम पढ़ें उसको कैसे तो इसके लिए आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं आप प्लेस वैल्यू काउंट किया करो वंस टें हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख एंड करोर तो क्या बन गया फाइव करोर्स एट लैक्स वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइनटी टू इस तरीके से हमें उसका नंबर नेम भी पता चल जाएगा और हमें उसे पढ़ना भी आ जाएगा नाउ विल मूव ऑन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन देखो जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होता है ना वो थोड़ा सा ईजी होता है क्योंकि उसमें ये लैक टेन थाउजेंड था। और ये सब चीज़ें नहीं होती हैं और कॉमा भी बहुत ईजिली लगाया जाता है जैसे आप समझिए इसको इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कॉमा कम्स आफ्टर एवरी थ्री डिजिट फ्राम द राइट टू मेक थाउजेंड्स मिलियंस एक्सेट्रा ईजिल अंडरस्टैंडेबल एंड न्यू नंबर्स ईजिली रीडेबल यानी इसमें जो कॉमा आता है ना जैसे इसमें तो इंडियन सिस्टम में क्या है कि पहला कॉमा थ्री डिजिट के बाद और फिर अगले हर टू डिजिट के बाद इसमें सभी में एवरी थ्री डिजिट के बाद कॉमा लगाया जाता है और इसमें हम कैसे पढ़ते हैं या तो हम थाउजेंड्स बनाते हैं या मिलियंस बनाते हैं ठीक है कैसे फॉर एग्जाम्पल वही सेम नंबर इसको हमें इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है तो एवरी थ्री डिजिट के बाद हम कॉमा लगाएंगे और इसको पढ़ेंगे कैसे फिफ्टी मिलियन एट हंड्रेड वन थाउजेंड क्या हमारे इंडियन सिस्टम में कभी हम बोलते हैं एट हंड्रेड वन थाउजेंड नहीं होता ना लेकिन ये ईजी करने के लिए ऐसे हो गया कि एट हंड्रेड वन थाउजेंड और फिर फाइव हंड्रेड नाइनटी टू इस तरीके से हम इंटरनेशनल सिस्टम में इसको पढ़ते हैं मिलियन देखिए इसमें हंड्रेड वो तो है हमारे जैसा ही है हंड्रेड फिर थाउजेंड भी होता है और थाउजेंड के बाद सीधा मिलियन बिलियन और ट्रिलियन बस यही होते हैं इसमें नाउ द टाइम फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट एक्सपेंशन फॉर द फॉलोइंग नंबर अब आपको इस नंबर को एक्सपेंड करके लिखना है बहुत इजी है कैसे इजी है लेट्स सी तो देखो इसका सही तरीका आपको बताऊं पहले आप इसको लिख दो सेवन सेवन के बाद कितने डिजिट्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव तो इसमें फाइव जीरोज लगा दो फोर फाइव ठीक है अब प्लस का साइन लगाओ दूसरा डिजिट कौन सा लेंगे थ्री थ्री के बाद कितने बचे डिजिट वन टू थ्री फोर फोर जीरोस है ना आसान तरीका प्लस उसके बाद कौन सा डिजिट है फोर फोर के बाद कितने डिजिट बचे हैं थ्री डिजिट तो थ्री जीरो फिर कौन सा डिजिट आएगा फाइव फाइव के बाद कितने बचे जीरो, फिर कौन सा डिजिट फोर फोर के बाद कितने जीरो कितने डिजिट एक तो एक जीरो और लास्ट में थ्री ये हो गया इसका एक्सपेंशन अब इसी तरह से हम नेक्स्ट करेंगे ठीक है ये है थर्टी टू लैक्स सेवेंटी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी नाइन थर्टी टू लैक को भी एक्सपेंड करेंगे सबसे पहले थ्री कितने डिजिट बचे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स देयर आर सिक्स जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स प्लस नेक्स्ट डिजिट टू टू के बाद कितने बचे हैं फाइव वन टू थ्री फोर फाइव फिर क्या आएगा सेवन सेवन के बाद कितने डिजिट्स हैं फोर डिजिट फिर आएगा फाइव फाइव के बाद कितने डिजिट बचे थ्री डिजिट उसके बाद एट एट के बाद कितने डिजिट हैं टू डिजिट फिर आएगा टू टू के बाद कितने डिजिट हैं वन डिजिट देन नाइन दिस इज योर आंसर इस तरह से हमें एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखना होता है देन नेक्स्ट इज नाइन करोड़ फाइव लैख फोर्टी वन इसको क्या करना है प्लेस कॉमास न्यूमरस आपको पहले एक नंबर लिखना है जो यहां पर वर्ड में लिखा हुआ है और फिर उसमें कॉमा लगाने हैं कैसे जैसे हम नॉर्मल अगर इसमें कुछ नहीं लिखा तो हम अपने इंडियन सिस्टम को ही फॉलो करेंगे तो नाइन करोर फाइव लाख फोर्टी वन कैसे लिखना है नाइन करोर एंड फाइव लैक और उसके बाद फाइव लैख के बाद फाइव डिजिट होने चाहिए ना तो लेकिन फाइव डिजिट के लिए जीरो लगाया जीरो फोर वन तो दिस इज योर आंसर और मैंने देखिए साथ में कॉमर्स भी लगा दिए हैं ये बन गया नाइन करोड़ फाइव लैख फोर्टी वन इसके बाद हम देखते हैं ट्वेंटी थ्री लैक्स थर्टी थाउजेंड टेन ट्वेंटी थ्री लैख ट्वेंटी थ्री लिख के फिर थर्टी थाउजेंड ठीक है थर्टी थाउजेंड में आगे कितने आने चाहिए थ्री डिजिट आने चाहिए तो जीरो और टेन है करना है हमें इस तरह से हम इसको लिखेंगे ट्वेंटी थ्री लैक्स थर्टी थाउजेंड टेन दिस इज योर आंसर नाउ थर्ड क्वेश्चन इंसर्ट कॉमा एंड राइट नेम्स एज पर इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन यानी कि अब हमें क्या करना है ये जो नंबर्स दे रखे हैं ना इनमें हमें इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से कॉमा लगाना है और फिर इनका नंबर नेम लिखना है तो देखो कॉमा लगाने के लिए पहले मैं क्या करूं यहां पर दोबारा से नंबर लिख दू इसको नाइन 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 जीरो 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 फोर सिक्स तो पहला कॉमा इंडियन सिस्टम में कहा लगता है आफ्टर थ्री डिजिट दूसरा आफ्टर टू डिजिट आफ्टर टू डिजिट तो अब इसको पढ़ के देख लो और इसको फिर हमें लिखना भी है तो ये पहुंच गया देखो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक देखो अब हमें इसको कॉमा लगाने के बाद इसको नंबर नेम्स में लिखना है तो ये क्या बन गया नाइन क्रोर्स नाइन्टी नाइन नाइन्टी नाइन लैक्स और एंड फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स नेक्स्ट वाला देख लेते हैं पहले इस नंबर को लिख लो और फिर सुटेबल कॉमा लगाना है इंडियन सिस्टम के हिसाब से पहला थ्री डिजिट के बाद दूसरा टू डिजिट के बाद सेकेंड भी टू डिजिट के बाद तो ये फिर दोबारा से क्या बन जाएगा देखो कहां पर पहुंचे हम नाइन करोर्स करोर्स में पहुंच गया नाइन करोर्स एटी फोर एटी फोर लैक्स थर्टी थर्टी टू थाउजेंड्स थाउजेंड आगे सेवन हंड्रेड सेवन हंड्रेड वन ठीक है ऐसे हमें लिखना है इसको ठीक अब फोर्थ क्वेश्चन इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट नंबर नेम्स एज पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन अब हमें इंटरनेशनल सिस्टम को यूज करना है और फिर इसमें नंबर में कॉमा भी लगाना है और उसका नंबर नेम भी लिखना है तो मैं देखो कॉमा तो आपको यहीं लगा के दिखा दूं क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम uh, में क्या होता है एवरी थ्री डिजिट के बाद कॉमा लगता है ठीक है तो ये हो जाएगा सेवन मिलियन सेवन मिलियन फोर हंड्रेड फिफ्टी टू थाउजेंड्स क्योंकि इसमें तो यही होता है थाउजेंड्स और टू हंड्रेड टू हंड्रेड एटी थ्री ठीक अब दूसरा वाला नंबर देख लेते हैं कॉमा लगाओगे एवरी थ्री डिजिट के बाद तो ये बन जाएगा मैं इसका यहां पे लिख रहा हूं ठीक है इसको मैं रेड कलर से लिख देता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो तो ये बन जाएगा नाइंटी नाइन मिलियन नाइन हंड्रेड एटी फाइव एटी फाइव थाउजेंड और बाकी क्या बचा वन हंड्रेड वन हंड्रेड टू ये ऐसे लिखना है आपको समझ में आ रहा है सो नाउ देट सॉल्व फॉर दिस वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास उसे ज्वाइन करना ना भूलें रिमेंबर वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वीयर योर मास्क जब भी आपकी टर्न है कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर करवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच